Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing integration and application of integration, in which we are discussing about the area under the curve. In last session, we had discussed about the area enclosed by two curves. Today, we are going to discuss some more questions of the different analogy, and let me explain few more questions. आज कुछ अलग questions करते हैं और इस questions में क्या है कि हमें दो कंसेप्ट समझनी है. अभी तक हम जो समझ रहे थे उसमें क्या था कि एरिया इंक्लोज्ड अंडर द कर्व विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस भी हम निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हो इंटीग्रल वाई डी एक्स, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए से एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है क्योंकि ये डी एक्स है. तो इससे मिलता है एरिया इंक्लोज्ड बाई द कर्व with y is equal to fx and x-axis between two lines x is equal to a and x is equal to b like this. इस तरह का ये कोई कर्व है और उसका एरिया यहाँ से ऐसे ये कर्व है और आप x is equal to a और x is equal to b के बीच में ये एरिया कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये है एफ एक्स और इसके बीच में एरिया कैलकुलेट करते हैं. अगर ऐसा हो कि एरिया वाई के एक्स डी वाई लिखा जाए, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई, तो यहाँ वाई की लिमिट लिखनी होगी सी से वाई इज इक्वल टू डी डी तक. मान लीजिए डी वाई लिखोगे तो यहाँ वाई की लिमिट लिखनी होगी. तो ये क्या देगा, ये एक ऐसा कर्व देगा जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है और ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू सी है और ये वाई इक्वल टू डी है. तो ये एरिया जो होगा वो इन दोनों के बीच का एरिया होगा, यानी इसके बीच का एरिया होगा पूरा. यानी ये एरिया जो देगा, अगर हम डी वाई लिखेंगे तो वाई एक्सिस के साथ एरिया इनक्लोज निकलेगा, अगर डी एक्स लिखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया इनक्लोज निकलेगा. यानी दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, कर्व दैट इज एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी वाई के टर्म्स से, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स वाई इज इक्वल टू सी एंड वाई इज इक्वल टू डी, इसके बीच में. तो ये वाई एक्सिस के साथ एरिया को बताएगा. तो हमें डिपेंड करता है कि कब एक्स एक्सिस कब वाई एक्सिस निकालना है, ये हम तय करेंगे. लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स तो यहाँ पर एक्स की लिमिट लिखी होगी, एक्स की वैल्यू लिखी होगी, कर्व कहाँ से कहाँ तक है. और जब यहाँ पर लिखेंगे वाई डी वाई तो यहाँ पे वाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वाई की लिमिट लिखनी पड़ेगी कि वाई कहाँ से कहाँ तक है. जब डी एक्स लिखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज होगा वो निकल के आएगा, जब डी वाई लिखेंगे तो वाई एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज होगा वो निकल के आएगा. तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे. राइट, क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व, फाइंड द एरिया enclosed by curve and the line टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस 12. सो इसके बीच का एरिया निकालना है आपको. ठीक है, ये देख करके आपको पता चल रहा है कि चूंकि x का पावर इवन है तो ये y के सिमेट्रिकल है, तो ये क्या देगा, एक पैराबोला देगा. तो ये एक पैराबोला देगा, ऐसा एक पैराबोला हमने एक ड्रॉ किया लाइक दिस. लेट अस सी, सॉरी, एक पैराबोला ड्रॉ किया और ये पैराबोला जो है उसका ओरिजिन से, ओरिजिन पे वर्टेक्स है मान लीजिए, तो ओरिजिन पे ये वर्टेक्स है और ये जो है वाई एक्सिस है. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है, ये वाई एक्सिस है मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये जो पैराबोला है, ये लाइन है वो कैसा है. तो इस लाइन कहाँ कट करेगा और कैसा होगा, एक्स अगर जीरो रखोगे तो वाई सिक्स होगा और वाई जीरो रखोगे
तो x माइनस फोर होगा, यानी ये जो लाइन है कुछ इस तरह का कट करेगा, ये जो लाइन होगा कुछ इस तरह का कट करेगा, तो इस तरह का कट करेगा। तो आपको अब निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या होगा ये आपको देखना है, ठीक है। सो व्हाट टू डू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका कहाँ होगा ये देखते हैं। ये है एक्स डैश, ये पॉइंट क्या होगा और ये पॉइंट क्या होगा, ये इसकी ज़रूरत तो नहीं है, हमें ज़रूरत है इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो किसी भी कर्व की दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। सो व्हाट विल हैपन इज 4y इज इक्वल टू, 4y की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2y की वैल्यू रख देते हैं, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 के बदले 2 इंटू 2y लिख सकते हैं, और इस 2y के बदले 3x प्लस 12 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 टू जा 6x, नहीं 3 टू जा 6x, और माइनस कितना 12 टू जा 24 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4 और माइनस 2 मिल गया। व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 तो y क्या आ जाएगा, 4 टू जा यहाँ पे रख देंगे, x 4 रखेंगे तो 4 टू 3 जा 12, 12 प्लस 12 24, y 12 आ जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो 3 टू जा 6, माइनस 6, 12 माइनस 6 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा एक आएगा 4, 12, ये पॉइंट आएगा 4, 12, और दूसरा पॉइंट जो आएगा वो होगा माइनस टू कॉमा थ्री। तो अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको एरिया जो निकालना है वो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, दोनों कर्व के बीच का यही एरिया इनक्लोज्ड है और इसी एरिया को आपको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऊपर में कौन है लाइन, तो लाइन के एरिया में से नीचे वाला कर्व कौन सा है, तो ये पैराबोला, पैराबोला के एरिया को माइनस करना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक लाइन का एरिया लेना चाहिए जी, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो हमें एक्स की लिमिट लेनी पड़ेगी माइनस टू से फोर तक, लाइन के एरिया में से माइनस टू से फोर तक पैराबोला का अगर माइनस कर लें तो बीच का एरिया मिल जाएगा। यानी कुल मिल के कहानी ये हो गई कि एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इज इक्वल टू माइनस टू टू फोर, ठीक है, y dx along line, line minus minus 2 to 4 क्या होगा, minus 2 to 4 y dx along parabola, दोनों के इक्वेशन में से लिखे तो क्या मिलेगा यहाँ पे। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, यानी ये हो जाएगा minus 2 से 4, लाइन में y कितना हो जाएगा तो 3 by 2x प्लस 6, लाइन में ये आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा dx माइनस पैराबोला में क्या हो जाएगा माइनस 2 से 4, y की वैल्यू कितनी आएगी पैराबोला में, y इज इक्वल टू 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसा करने से हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू, एरिया आ जाएगा हमारा कितना, एरिया इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, ये आएगा 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, कहाँ से कहाँ तक, तो ये एरिया है माइनस 2 से 4 तक, माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, ये भी मिलेगा माइनस 2 से 4 तक। तो अब ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 3 बाई 4 और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, पहले 4 रख दिया हमने, अब हम रख देते हैं माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 टू जा 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 और यहाँ माइनस 12,
3 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 बाई 4 है बाहर हो गया, एक्स क्यू के बदले रख देंगे 4 क्यू माइनस माइनस 2 का क्यू, तो ये हो जाएगा पूरा 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 6 4 जा 24 प्लस 12 36 माइनस माइनस 9 यहाँ से तो प्लस 9 और यहाँ से 1 बाई 4 64 माइनस माइनस 8 64 प्लस 8 इज 72 72 डिवाइडेड बाई 4 इज 18 सो यू मे राइट 18 सो दिस इज 45 माइनस 18 इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट, ये होगा उसका एरिया, तो एरिया आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लेट मी राइट द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 3, दिस इज ए क्वेश्चन, हाउ टू डील विद सच क्वेश्चन। तो ये आपको पता चल रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला वेल नोन पैराबोला है, यानी ऐसा होगा ये पैराबोला, और ये है हमारा x एक्सिस और ये है x डैश और ये है y एक्सिस, राइट, नो डाउट, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कैसा होगा ये लाइन, ये लाइन कुछ इस तरह का होगा x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये 0 3 पे कट करेगा और ये लाइन 3 0 पे यहाँ पे कट करेगा, है ना, और ये नीचे आके यहाँ पैराबोला को भी कट करेगा। अब कहाँ पैराबोला को कट करेगा ये तो रिसर्च का विषय है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कट करेगा, ये 0 0 है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है एक्चुअली, और वो हम निकालेंगे एरिया, अब कौन सा निकालनी है पहले तो ये डिसाइड करें एरिया कौन सा निकालनी है, एरिया इन दोनों के बीच का निकालना है, ये एरिया पूरा हमें निकालनी है, राइट ना, सो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो सॉल्विंग सिमल्टेनियसली, सॉल्विंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस x, x प्लस y इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 माइनस x, यानी y के जगह पे 3 माइनस x रख देंगे, सो देयर फॉर दिस एम्प्लॉय 3 माइनस x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इससे मिल जाएगा आपका 9 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 4x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 9 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 9, ये सब बात आ गई। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे y के कोरिस्पोंडिंग वैल्यू क्या होगी, तो व्हेन x इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर देयर, ये देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y कितना होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y कितना होगा, y होगा x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y आ जाएगा 2, y आ जाएगा 2 और x इज इक्वल टू जब रखोगे 9 तो y कितना आ जाएगा, 9 y हो जाएगा 3 माइनस 9 दैट इज माइनस 6, तो x जब 9 होगा तो ये y माइनस 6 होगा, यानी ये पॉइंट जो होगा वो 9 कॉमा माइनस 6 होगा और ये जो पॉइंट होगा ये 1 कॉमा 2 होगा, है ना। अब एरिया हमें निकालनी है इसके बीच का, तो एरिया कैसे निकलेगा, कहां से कहां तक निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो एरिया निकलेगा वाई एक्सिस के अलोंग वो होगा, अगर लाइन का एरिया हम निकालें माइनस 6 से 2 तक तो ये लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकल आएगा, और माइनस 6 से 2 तक अगर इस पैराबोला का एरिया निकाले पैराबोला के अलावा, तो पैराबोला और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकल जाएगा, तो लाइन के एरिया में से इस पैराबोला के एरिया जो आएगा वाई एक्सिस के अलावा वो माइनस कर लें तो बीच का एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि लाइन माइनस पैराबोला करेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस 6 से 2, और किसके अलावा एरिया निकालना है,
y एक्सिस के अलोंग. सो व्हाट विल हैपन कि आप लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट विल बी दैट माइनस 6a2 एक्स डी वाई अलोंग लाइन. चूंकि हम y एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो हमें लिखना होगा एक्स डी वाई, और y की लिमिट भी लिख रहे हैं, है ना. तो ये होगा एक्स डी वाई माइनस माइनस 6a2 एक्स डी वाई किसके लिए अलोंग, पैराबोला के अलोंग. तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ऐसे माइनस 6a2 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस वाई डी वाई माइनस, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई. यहाँ पे माइनस 6a2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई. अब इसमें से इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद. अब चूंकि इंटीग्रेशन कर दिया तो लिमिट को कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसे ये हो गया माइनस 6a2 माइनस 1/4, और ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3, तो वाई क्यू हो गया, 3 को बाहर ले लिया, माइनस 6a2, ठीक है. अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, सो व्हाट टू डू, यहाँ पे अब लिखते हैं. देखिए ध्यान से, ये आएगा 2 रखने पे, 3 × 2 = 6, और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 = 2, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 4, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ से भी मिलेगा माइनस 18 यानी माइनस 36, तो माइनस 36 माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस 36 हो जाएगा, माइनस 1/12, 2 का क्यू यानी 8 माइनस माइनस 6 का क्यू माइनस 216, सो दैट विल बी प्लस, तो ये हो गया आपका 40 माइनस 1/12, 216 प्लस 8 इज 224, 12 के टेबल में आएगा, ये कैंसिल होगा क्या, काट के देखते हैं, 4 से कैंसिल होगा, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 5 = 20 एंड 4 × 6 = 24, सो 56/3, 40 माइनस 56/3, 40 माइनस 56/3 दैट इज 120 माइनस 56/3, और 120 में से 56 निकल गया तो बच गया 64/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 64/3 स्क्वायर यूनिट, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है. अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट हियर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये दो पैराबोला हो गए. अब दो पैराबोला के बीच का एरिया आपको निकालना है, सो हाउ टू फाइंड दिस. अब देखिए एक पैराबोला जो होगा वो होगा ऐसे, और दूसरा पैराबोला जो होगा वो होगा ऐसे, ये पैराबोला ऐसे है और दूसरा पैराबोला जो होगा वो ऐसे होगा. सर थोड़ा फ्री हैंड से स्केच करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये पैराबोला ऐसे, ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और इनके बीच का ये हमें निकालना है, ये ओरिजिन से दोनों पास कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ये दोनों पैराबोला का, और सॉरी डिफिकल्ट कंप्यूटर वाली स्केल से, ये है ओरिजिन और ये है हमारा पहला लाइन, पहला एक्स एक्सिस, और दूसरा है सॉरी एक्स डैश, ये है एक्स, और ये है पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाला पैराबोला कौन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऊपर वाला ये और ये वाला ये, ठीक है,
इन दोनों के बीच का हमें निकालना है क्या, ये एरिया हमें निकालनी है, मतलब ये एरिया निकालनी है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है इस पैराबोला का, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक तो ओरिजिन दिख रहा है कि दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, दूसरा कहाँ है, तो सबसे पहले टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व देम, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व देम तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड सो एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सो दैट इज एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स क्यू इज इक्वल टू वन, सो एक्स क्यू इज इक्वल टू वन दैट विल गिव ओनली वन रियल वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो एक मिल गया कि वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वेन एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गए एक हो गए जीरो कॉमा जीरो और दूसरा हो गया वन कॉमा वन। अब आप देखिए अगर जीरो से वन तक इस पैराबोला के अलोंग एरिया निकालें तो ये एरिया मिल जाएगा इस पैराबोला के और इसके बीच का एरिया पूरा ये मिल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर जीरो से वन तक हम दूसरे पैराबोला का नीचे वाले पैराबोला का निकालेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा, है ना। तो इसका मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें क्या करना है, माइनस। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें करना है माइनस, है ना। सो व्हाट विल हैपन कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने के लिए पहले बड़े वाले इक्वेशन लिखेंगे फिर माइनस छोटे वाले, तो एरिया क्या होगा। अब उस एरिया को हम लिखते हैं, एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू रीजन इज इक्वल टू जीरो टू वन वाई डी एक्स, चूंकि एक्स एक्सिस के अलावा निकाल रहे हैं, अलोंग पैराबोला दोनों पैराबोला एक ही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो टू वन वाई डी एक्स, कौन से पैराबोला, तो अलोंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब दोनों में से वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप बताओ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो टू वन और इसमें से वाई की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स डी एक्स, और ये जीरो टू वन इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक, तो ये हो गया टू बाई थ्री, वन रखेंगे तो वन का पावर थ्री बाई टू क्या मिल जाएगा वन, माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, यहाँ वन बाई थ्री वन माइनस जीरो, तो यहाँ भी हो गया टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, इसका मतलब हो गया वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया निकल के आएगा। तो दो पैराबोला के बीच में इतना एरिया निकल के आएगा, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म में कर रहे हैं, इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई फोर ए वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ताकि आगे काम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, दो पैराबोला होंगे और दो पैराबोला एक ऐसा होगा और एक पैराबोला ऐसा होगा और दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, राइट, और दोनों के फिर वही वही वाली बात है कि ये एरिया हमें निकालनी है। सो व्हाट टू डू, ये मान लेते हैं हमने फटाफट खींच लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फोर एक्स फोर ए एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। अब फोर बी वाई, एक में ए एक में बी लिख देते हैं ताकि समझना में आए, फोर बी वाई, लेट मी राइट दिस सो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म आए, ए और बी की वैल्यू बदल सकती है बट क्वेश्चन में नहीं
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहेगा तो हम कोई भी सवाल का आंसर लिख पाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का ये एरिया आपको निकालनी है, ये एरिया आपको निकालनी है ना। तो ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी होगी, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे पहले आया था, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, है ना, ये सब तो आप लिख ही लोगे। तो ये एरिया निकालनी होगी कि यहाँ से यहाँ तक पहले वाले की तरह बड़े वाले पैराबोला में से छोटे वाले पैराबोला को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी होगी, तो पहले की तरह कर लेते हैं। वाई स्क्वायर, वाई का पावर फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर भी वाई है, तो एक्स का पावर फोर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स का पावर फोर इज इक्वल टू 16 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड एक्स का पावर फोर इज इक्वल टू 16 बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर फोर माइनस 64 क्या 64 ए बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यू माइनस 64 ए बी स्क्वायर जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस, यानी 4 ए का पावर 1/3 बी का पावर 2/3 ये आएगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा से बाद में रख देंगे वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू ये दो आ गई, y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन हमें अभी यहाँ लिमिट x के रिस्पेक्ट में ही निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है, इसलिए एरिया जो होगा वो होगा 0 टू कितना अल्फा, इसको हमने अल्फा मान लिया है, इज इक्वल टू पहले वाले का y dx एक्स किसके अलाउंग, तो पहले वाला ऊपर वाला पैराबोला कौन सा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अलॉन्ग along this one along y square is equal to 4x and this is x square is equal to 4by। अब इसमें ये रख देते हैं वैल्यू, सो क्या होगा, ये होगा कि 0 to अल्फा, इसमें से y की वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, और इसमें से वैल्यू क्या होगी, इसमें से y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर बाई 4b dx। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a बाहर, x का इंटीग्रेशन रूट x का क्या होगा 2/3 x का पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से अल्फा तक, यहाँ से 1/4b तो बाहर रहेगा और एक्स क्यू बाई 3 होगा तो 3 बाहर आ गया, और ये हो गया कहाँ से कहाँ तक 0 से अल्फा तक, तो ये हो गया 4√a/3 ठीक है अल्फा टू द पावर 3/2 माइनस 1/12b और यहाँ अल्फा क्यू। अब इस अल्फा क्यू की वैल्यू हम रख देंगे, तो अल्फा क्या था हमारा, ध्यान से देखिए ये जो अल्फा की वैल्यू अब रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4√a/3 और अल्फा क्या था 4 to the power 1/3 b to the power 2/3 को हमने अल्फा में पुट किया था, इसकी वैल्यू 3/2 रख देंगे, माइनस 1/12 b 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3 होल टू द पावर 3। सो व्हाट विल कम नाउ, द थिंग्स विल कम लाइक 4/3 अंडर रूट a 4 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर से 2 कट जाएगा, 2 का पावर क्यू 8, a का पावर कितना मिल जाएगा 3 से 3 कट के हाफ, b का पावर 2 माइनस 1/12 b 4 का पावर क्यू 64 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी से बी एक कैंसिल, ये 4 से कट जाएगा 4 3 12 एंड 4 से 16 4 64। सो नाउ दिस विल कम लाइक 8 4 32 बाई 3 ए बी 2 2 कैंसिल, हेयर b टू द पावर 1 विल ओनली लेफ्ट because 2/3 3/2 will cancel, so 32ab minus 16/3ab is equal to 16/3ab square unit. So here for different value of a and b we can have a different number of questions, but all these questions can be solved by using putting the value of a and b here directly. So you must remember this, this is very, very important, you know, so important result you must remember.
ए और बी की अलग अलग वैल्यू हम बदल के अलग अलग क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। इसमें सीधा ए और बी की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल।